ट्रेड लेना शुरू करें। जय पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। जय, अपने आप ट्रेडिंग कॉल से शुरू कीजिएगा। ये ट्रेडिंग कॉल ना जैन के अंदर भी जाएंगी, यानी कि जैन मंथ के अंदर भी जाएंगी, तो फ्यूचर्स के हो तो वो भी बता दीजिएगा और नॉन फ्यूचर कैश के हो तो वो भी बता दीजिए। गुड आफ्टरनून विजय प्रियंका जी। पहला रहेगा नॉन नॉन फ्यूचर का कैश का। जीएसपीएल मुझे काफी स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है आज के दिन में। वीकली चार्ट पर देखे तो काफी स्ट्रेंथ बन के आ रही है। ब्रेकआउट आज के दिन में नोटिस किया अराउंड 301 के ऊपर। वो ब्रेकआउट सस्टेन भी कर रहा है। आरएसए काफी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। बहुत टाइम बाद ये मूव आया है। मुझे जीएसपीएल पर बाय की सलाह रहेगी। अराउंड 310 के भाव चल रहे हैं अभी। 330 तक के टारगेट के लिए ये स्टॉक को ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस अराउंड 301 300 301 का रखे ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब भी काफी अच्छा रहेगा। दूसरा जो स्टॉक होगा आईएक्स का, आईएक्स की बात करें तो काफी बेहतर रिटर्न दिखाई दे रहा है। अराउंड 100 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया वीकली चार्ट पर एंड डेली चार्ट पर भी काफी अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है ये स्टॉक ने। ये फ्यूचर का भी स्टॉक है और मुझे लग रहा है ये जनवरी के लिए भी काफी, जनवरी सीरीज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से बाय करके जाने की सलाह रहेगी। 169 तक के टारगेट और 170 169 तक के टारगेट ये स्टॉक में दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पर 156 का स्टॉप लॉस रखे ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते। ठीक है, डन। अक्षय पी भागवत, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? बैंक की तरफ है, पहला एफएमसीजी से आईटीसी है। यहाँ पे आप आईटीसी में चार्ट पैटर्न देखें तो डे ट्रेडिंग में जनवरी सीरीज में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशंस बनते हुए दिख रहे हैं। अच्छा पॉजिटिव कैंडल का क्लोज होते हुए दिख रहा है और एक जो रेंज बना था 450 और 460 उसके ब्रेकआउट के आधार पे मैं प्रिएम्प्ट कर रहा हूँ। जल्दी ऊपर के स्तर में 475 प्लस के लेवल दिखेंगे, बाय करके चलिए। आईटीसी फॉर टारगेट ऑफ 481, स्टॉप लॉस बनाइए 451। और दूसरा ट्रेड है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड यहाँ पे ऑटो स्पेस में है। यहाँ पे ये स्टॉक अभी तक परफॉर्म नहीं करा है, जब तक साथ वाले सब स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट मोमेंटम में, प्राइस मोमेंटम में थे। अशोक लेलैंड में बिलीव कर रहा हूँ कि नेक्स्ट कैंडिडेट हो सकता है ऑटो स्पेस में, जो जनवरी में बहुत स्ट्रांगली चलेगा अपसाइड में। तो आप बाय करके चले अशोक लेलैंड। 187 का टारगेट बनाइए और स्टॉप लॉस बनाइए 171 की। अशोक लीलैंड पे आपकी एक कॉल हो गई है और साथ ही साथ आईटीसी भी आप ट्रेड दे रहे हैं। इससे पहले जे पटेल ने भी अपनी ट्रेड दे रही है। गिरीश सोडानी से मैं ट्रेडिंग कॉल में तो नहीं पूछूंगा, मैं कन्विक्शन वाला एरिया ज़रूर पूछूंगा और अगर उनकी कंप्लाइन